हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मांदेली फ्राई, यानी फिश फ्राई, बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मांदेली फिश ले लिया है, छोटी फिश। उसे अच्छे से साफ करके धुल लिया है। अब हमने इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको हम बढ़िया सा मिला लेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन एक चम्मच या दो चम्मच, एज एन रिक्वायर। हमें इस तरह से इसे मिक्स करके साइड में रख लेना है। तो अब हम चलिए फिश की कोटिंग के लिए सामान इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ा चम्मच रवा, उसमें ऐड करेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा फूड कलर। मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है और रेड ही अच्छा लगता है फ्राई में। इन सबको ऐसे ही सूखा हमने मिला लेना है। उसके बाद हमने फिश उठाना है और उसे अच्छे से कोट करके, ये देखिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने दो बड़े चम्मच तेल ऐड करने हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डीप फ्राई नहीं स्लो फ्राई करेंगे, इसलिए हमने तेल कम लिया है। एक एक कर इन सभी को अच्छे से पैन में पूरे फैला लेंगे, जितनी फिश आए उतना। एक तरफ थोड़ा सा पकने के बाद, यानी कड़क होने के बाद, हमने इसे पलट देना है खूब बढ़िया सा, ये देखिए। अब हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से फ्राई कर लेना है और क्रिस्पी होने तक। वैसे मछली को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये देखिए बढ़िया सा फ्राई हो चुका है हमारा फिश और खूब क्रिस्पी और कड़क कड़क हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो तैयार हो चुका है हमारा फिश फ्राई। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और इसे टेस्ट करिए कैसा बना है बताइए। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखनी है, या आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।